सुनील जी, छोटू राम जयंती पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल के और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। और छोटू राम हमारे किसान नेता नहीं, हमारे किसान मसीहा थे और उनकी जो नीतियां थी वो किसान को और गरीब को मेरे को बचाने की थी। उन्होंने एक बात कही थी, ऐ बोले किसान बोलना ले सीख और दुश्मन को नहीं पहचान। हम उनके पत्तियों पर चलते हुए पूरे हरियाणा के किसानों को और मजदूरों को यही कहना चाहते हैं, चौधरी छोटू राम जी की इन पंक्तियों पर ध्यान देकर जागरूक बने, अपने हकों के लिए लड़ें और पूरे प्रदेश को छोटू राम जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और संविधान दिवस हमारे देश के लिए एक ऐसा कानून बना था, जिस दिन ये संविधान बना था उस दिन से बड़े खुद इंसान को ये पता चल गया था कि आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हो, अपने हकों को मांगने के लिए आप धरना प्रदर्शन या जो भी अपनी मांगों के लिए मनवाने के लिए संविधान के अनुसार अपनी मांगें मनवा सकते हो। तो संविधान दिवस पर हम पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सर छोटू राम की जयंती पर हम सबको बधाई देते हैं। हमारा चैनल भी किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती पर आज हम मास्टर बलबीर जी के पास पहुंचे हैं। मास्टर जी, आपको बहुत बहुत बधाई सर छोटू राम जयंती पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का। तो हर मौके पे आप हमारे को याद करते हैं और हमारी खबरों को देश दुनिया और प्रदेश में सब जगह प्रसारित करते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और चौधरी छोटू राम ने जो आम सब जनता के लिए काम किया, विशेष तौर पे ज़मीन उन्हीं की होगी जो जोताई करते हैं, यानी किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया। फिर ये APMC जो मंडी बनी है, उन मंडियों की वजह से किसान की फसल मंडी में बिकने लगी, उसका एक बड़ा फायदा हुआ। और उसके साथ ही आप देखेंगे गांव के शहर बन गए, क्योंकि मंडियाँ विकसित होने से अपना नरवाना ही अपन सोचा 83 साल पहला ये कानून आया था मंडी बनाने का। मंडी बनने से पहले एक सामान्य काम था, लेकिन जैसे ही मंडी बनी ये शहर का रूप ले गया। सब शहरों के बारे में आप ऐसा ही देखेंगे। तो छोटू राम की एक लंबी सोच थी इस बात को लेकर कि किसान लूट से बचे और देश का एक विकास हो, और ज़्यादातर सामान जो दुकानें हैं वो शहर में एक जगह इकट्ठी हो जाएँ और सबका काम वहाँ कारोबार भी चलें और सब ज़रूरत की चीज़ें एक जगह से मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने कानून बनवाया था कि कोई भी जमीन कुड़क नहीं कर सकता किसान की, उसके बैल नहीं कुड़क कर सकता, दूध देने वाली गायें भैंस कुड़क नहीं कर सकता, महिला के गहनों को कुड़क नहीं कर सकता और खाने का अनाज कुड़क नहीं कर सकता। जो कुड़कियां उस ज़माने में आती थी उनमें एक बहुत बड़ा काम चौधरी छोटू राम ने किया था और आज उसको पूरी जनता दुनिया उसमें जात पात धर्म को छोड़ के सबके लिए काम किया था। और जिस तरह से अपने यहाँ हरियाणा में या देश में अपने मनाया जाता है छोटू राम की जयंती को, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान बांग्लादेश में भी इसकी उसी तरह पूजा होती है। तो धर्म जात और देश की सीमाओं को लंघ कर चौधरी छोटू राम एक विश्व सत्र के नेताओं में गिनती में आते हैं और उनका किया हुआ काम सबके लिए याद रखने की बात है। तो मैसेज क्या देना चाहोगे जी आज सर छोटू राम जयंती पर? आज हम किसानों को विशेषकर और देश के सब मजदूरों को और सब कमाए के खाने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, छोटू राम ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की थी, उनके पिताजी ने उनको वकील बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था और आज शिक्षा जो महंगी हो रही है, गरीब आदमी के न जाने कितने छोटू राम पढ़ाई के बिना वंचित रह जाएंगे। और वो छोटू राम कोई भी बन सकता है, आज हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी छोटू राम बनने के गुण हैं, उनके लिए सबके लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए और एक जैसी सहूलियत सबको मिलनी चाहिए, चाहे कितना भी गरीब आदमी है उसके बच्चा का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए और शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। मैं मुख्य रूप से ये बात कहता हूँ और किसान को उसके फसल के दाम मिले, ये संदेश मुख्य रूप से देना चाहते हैं। तो भाई सभी भाइयों से निवेदन है कि सर छोटू राम की जयंती पर
मास्टर जी जो संदेश दिया है कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज है। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी प्रकार की वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन जब एक जो समाज के अंदर एक ऐसे महानुभव हुए हैं उनकी वीडियो को भी शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो ऐसे में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और एक संदेश सभी लोगों को जरूर दें, जैसे जी मास्टर जी ने दिया है। और आज नरवाना के नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये जो जयंती है बड़ी धूमधाम से मनाई। और हमारा चैनल भी नमन करता है सर छोटू राम जी को, जो जिनके सपोर्ट से, जिनके आशीर्वाद से चैनल को भी पूरा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद जी।